हेलो फ्रेंड्स, जोहार आप सभी को। मेरा मैं शैलजा ट्वीट्स 26 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं धनिया पत्ते की चटनी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है, झटपट बन जाती है और इसे बनाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है फ्रेंड्स। तो धनिया पत्ता जो है हमारे इंडियन कुजीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रेंड्स। ये चटनी में और बहुत सारी डिशेस में इसे गार्निशिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स। इस चटनी को फ्रेंड्स आप बिरयानी, पुलाव, कोई भी नॉनवेज आइटम या ऐसे भी अगर आप डेली इसे खाना चाहते हैं तो वो भी आप खा सकते हैं, क्योंकि ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 100 ग्राम धनिया की पत्तियाँ ली हुई हैं, तो इसे मैंने पानी में डुबा के रखा हुआ था फ्रेंड्स, कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, इसके डंठल को जो सबसे नीचे है उसको हमें काट लेना है, जड़ के पार्ट को। और फ्रेंड्स, आप इसे कम से कम 2 से 3 बार अच्छी तरह से वॉश करें काटने से पहले। आप देख सकते हैं ये पानी में कितनी गंदगी निकल रही है, और जो पुराने पत्ते हैं या पीले पत्ते हैं आप उसको छांट कर अलग कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने मिक्सिंग जार में धनिया पत्तों को काट करके इसमें डाल दिया है। अब मैं डाल रही हूँ 2 हरी मिर्च। अपने स्वाद के अनुसार इसमें मिर्च की संख्या बढ़ा सकते हैं फ्रेंड्स, अगर आपको ज़्यादा तीखा खाना पसंद है तो। उसके बाद मैं डाल रही हूँ 9 से 10 लहसुन की कलियाँ। उसके बाद एक बड़ा टमाटर मैंने काट लिया है, अगर आपके पास मीडियम साइज़ का टमाटर है तो आप 2 टमाटर इसमें काट कर डालिए। उसके बाद मैं डाल रही हूँ पुदीने की पत्तियाँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है फ्रेंड्स, क्योंकि पुदीने की पत्तियाँ जो है हर जगह अवेलेबल नहीं होती आसानी से, तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। और हम सिर्फ धनिया पत्ते की चटनी बना रहे हैं तो ये बिल्कुल अवॉइडेबल है, आप अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक, आपने स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल लीजिए। मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा पानी, आपको ज़्यादा पानी नहीं डालना है फ्रेंड्स, क्योंकि हमने टमाटर इसमें डाला है। और इसे हम करीब 1 से 2 मिनट तक मिक्सी में पीस लेंगे। तो मैंने इसे पीस लिया है, अब ढक्कन खोल के देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, धनिया पत्ती की जो चटनी है वो कितनी अच्छी तरह से पिस चुकी है। एक मैं चम्मच लगा कर आपको दिखाती हूँ, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट चटनी बनी है। अब एक बॉल लेंगे, अब मैं इसमें इस धनिया पत्ती की चटनी को डाल दे रही हूँ। अब इसमें फाइनल टच देना बाकी है फ्रेंड्स, तो हम लेंगे 1 चम्मच सरसों का तेल। चटनी जो है हम फ्रेंड्स झारखंड स्टाइल में बना रहे हैं, तो सरसों का तेल डालना तो बनता है, तो आप इसे डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो बस तैयार है हमारी धनिया पत्ते की चटनी, आप इसे घर पे ज़रूर बनाएं, और ये बिल्कुल झटपट बन जाती है घर पे अवेलेबल जो चीज़ें रहती हैं उससे ही। तो ये चटनी अगर आपको पसंद आई है फ्रेंड्स, आप इसे लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।